जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल खबरों की माने तो राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के सरकारी अस्पताल एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनके भाई और पीआरओ ने इसकी पुष्टि की है। वहीं खबरों की माने तो राजू श्रीवास्तव होटल के जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनके साथ अचानक से हादसा हो गया। एक्सरसाइज करते हुए राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद राजू श्रीवास्तव को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू श्रीवास्तव के पीआरओ अजीत सक्सेना का कहना है कि कॉमेडियन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में रुके हुए थे। सुबह जिम जा रहे थे, उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया है। उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव की पल्स अब लौट आई हैं और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वहीं कॉमेडियन को लेकर सामने आई इस दुखद खबर ने फैंस को परेशान कर दिया है। उनके फैंस राजू श्रीवास्तव के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन हैं। वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं। वह कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके हैं। सालों से राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते रहे हैं। फिलहाल उनकी इस खबर से लोगों की आंखें नम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट लाइन न्यूज़ नेशन।